नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, ये गुप्त रूप से ही मनाई जाती है और गुप्त रूप का मैं आपको इन पेड़ पौधों की वनस्पति तंत्र के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आप जो आपकी मनोकामना है, आपको धनवान बनना है, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मन कर चलिए, आपको धनवान बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता और आप निश्चित ही धनवान और एक करोड़पति व्यक्ति बन जाओगे। चलिए जान लेते हैं। स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में दोस्तों, माध्यम से पेड़ पौधों की इन वनस्पति शास्त्र की। पर दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले हम यह भी जानेंगे कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें आपको इनका किस तरह से उपयोग करना है। तो पहले हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि, फिर दोस्तों में इन पेड़ पौधे, इन तांत्रिक या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण करने का उपाय भी एवं महा उपाय भी बताऊंगा। तो आपको इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई नहीं बताया। तो दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे नवरात्रि जो गुप्त रूप से क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या महिमा है। उसके बाद हम आपको जो पेड़ पौधे जो ज्योतिष शास्त्र में आते हैं, इनकी मां चमत्कारिक उपाय बताएंगे। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि। विशेष रूप से बताने वाला हूं दोस्तों, मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल इस चैनल नहीं है मंत्र, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, वहां एक टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या भी जो आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से मां दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और मां को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आर्षी मुनि साधु संत या सन्यासी या फिर जो बड़ी बड़ी तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी भागवत में वर्णन आता है चार नवरात्रि का दो नवरात्रि। आप सभी जानते हैं प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है अश्विन मास में शादी नवरात्रि और दूसरी होती है चैत्र मास में। तो ये दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, सभी लोग बनाते हैं इसे और बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। ये नवरात्रि माता की पूजा आराधना चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जग माता के पंडाल लगते हैं, जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां की स्थापना होती है। तो दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, अश्विन मास की और चैत्र मास की। लेकिन गुप्त नवरात्रि, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में दो नवरात्रि गुप्त होती है, एक माघ मास की और एक आषाढ़ मास की। यह दोनों नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा आराधना के लिए और उनके साथ ही 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती है। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है।
तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब 2024 में माघ मास के गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर सकते हैं, किन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं, क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है, दोस्तों अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, या फिर बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम क्या जवारे बोल सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, या अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जैसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियां के लिए महत्वपूर्ण होती है, और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि यह समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज्यादातर टोने टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं, इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भयभीत होता है कि किस प्रकार से हम यह नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में, अश्विन या चैत्र मास में मां दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष्य होता है कि आपकी जो मनोकामना है उसे मनोकामना के अनुसार आप मित्रों का जाप करते हैं। जैसे कि हम प्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मित्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फर्क है, बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह की मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके अलावा, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मित्रों का जाप कर सकते हैं, प्रश्न किया है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो और धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को पाना,
वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ध्यान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और महायोग टीवी चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे की। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में कर सकते हैं, इस समय में जप गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, तो लक्ष्मी मंत्र का जवाब कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनचाही विवाह की कामना है, तो कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मित्रों का जाप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में किया जा सकता है, जिसमें भी आपकी आस्था हो, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उत्कर्ष स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में माँ दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहे तो करें की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वह नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना की अभी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता। दोस्तों, जो बात मैं आज आपको पेड़ पौधों की, इन वनस्पति शास्त्र की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपको कोई और नहीं बताया। दोस्तों, जितने भी जानकारी टीवी के माध्यम से बताई जाती है, वह जानकारी पहले सच्चाई उसकी सच में जानी जाती है, या फिर उसे प्रमाणित रूप से जिस किसी पर उसका उपाय किया जाता है, तभी आप पर हम यह जानकारी और दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। चलिए जानते हैं। देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मदंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सीढ़ियां को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते, तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही छुट्टियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ध्यान आपको कर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से एक ऐसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने, मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत ही जरूरी होती है पेड़ पौधे के बारे में, जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिस भी ध्यान होता है, उसे कहीं पर भड़काने की जरूरत नहीं होती।
घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उसे उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है। दोस्तों, आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताया दोस्तों फ्री में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और पेड़ पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियां का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो देवी शक्तियां पाई जाती है, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर की जो खुद के गुण है, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढ लेंगे, डांडिया कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, और यह एक अमेरिकन पौधा है। और दिखाने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पता हो पाया जाता होगा, नदियों के किनारे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी, ठीक है, यदि इसकी कई सारे टोटके हैं। लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी फूल होते हैं ना, फूल के भी, पेट के भी, बी के भी, जड़ के भी, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर ले, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे माँ के, चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, या फिर नया साल हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से, ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उसे दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देखें, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है, ठीक है। उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाएगा, नंगे पैर आप जाइए और अपने घर पर रखे रहिए, लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का, जो ताकि यह पवित्र हो जाए, इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है, ठीक है। और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना, उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान करना है पंचामृत से। स्नान करने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है, ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है
ना अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठाकर कि जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उसे जगह पर मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे दिखाने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार जो कि जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है, तो बस उसे कांटों के बीच में या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला काला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और ये भी फूल जो हमारा दिख रहा है, सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को, अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे और कचरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके। ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है, लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उसे काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, आप वाली ही हो तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना, और जिस भी काम को करने जाते हैं उसे काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो, करके ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपका, फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें देवी शक्तियां तो हैं, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उसे गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं, अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही घर पटवार समझकर कैसे यूं ही उखड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी तक ये जान भर तक जानकारी फ्री में उपलब्ध हो। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है, कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब
चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्क्रीन पर लोग एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है, ठीक है। यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल के क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए, यकीन मानिए, जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप जो है यदि कुछ ना करें तो ये सत्यानाशी का पौधा को जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहां पर मालिश करते हैं तो भी वह काम करता ही करता है, लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दम हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सूख लीजिए, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। इसके जड़ को सूख करके, पीस करके, ग्राइंडर में पाउडर बना ली, रोज सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके छोड़ को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपका जो साथ संबंधी समस्याएं चल रहा है, जो दम यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तीसरा नंबर का जो उपाय, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय, जो पीलिया रोग में काम करता है, ठीक है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, दिलों का रस लेना है आपको, ठीक है, किलो का रस, और इसका जड़ ठीक है, किलो का रस में क्या करना है, इसकी जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है, ठीक है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही, बस सुबह अगर शाम पी लेते तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपकी पीढ़ियां रोग जो यूं ही खत्म हो जाएगा, ना समझे, अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय के गिलोय और इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए, कैसा भी क्लियर होगा, तुरंत तत्काल जो है 1 से 2 टाइम, अभी 2 टाइम ही देंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब मूत्र बकर करने में ना बहुत सारे दिक्कत होते हैं। दोस्तों आपको बता दी, महायोग टीवी चैनल आपको बहुत विशेष जानकारी देता है, तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता है, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मुक्त बकर में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। क्या करना है, ठीक है, मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए, तो आप जो इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक है, 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दावा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो, अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के, कुछ एक्सटर्नल, यदि शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके इसका बीज का तेल अगर आप आ जाते हैं को अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी, जिससे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए, एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय, ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो जड़ी बूटियां होते हैं, एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं, तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराशा रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जब करेंगे पूरी नवरात्रि में, निर्वेद में रूप से माता आपके मित्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर लेंगे तो माता की विधि
विधान से पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प विद्यार्थी सभी चीज मां को अर्पित करेंगे, लाल पुष्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। मां दुर्गा का विग्रह तो आप उनका अभिषेक करेंगे, मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में, आशीर्वाद की नवरात्रि में, इस प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है, जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारी बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन जवारे बिना यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप जवारे भी होते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं, तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, यह समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है, मंत्र सिद्धि के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मित्रों की सिद्धि करते हैं, टैटो के सिद्ध करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हुआ आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना को उसी के निमित्त या निष्काम भाव से मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आदर्श महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है इस समय में, तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन है, जो आम गृहस्थ जान होते हैं, वह मां दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैल पुत्रिका, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे की कुश्ती, चतुर्थ काम, पंचमश कंधमाती सिस्टम का अध्याय, नीतिमाम दुर्गा के, इन्हीं की आराधना को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। हम जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना है कि इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, फिर मां दुर्गा की अपराधना कर सकते हैं। अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर हम क्या करें, तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपके साथ ही रहना है, तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए, देखिए, भोग में आत्मा को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, मां दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे, उसे बताशा के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और ये माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, सुबह इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको बता दे कि यही वह उपाय है जिससे आपकी हर एक मनोकामना, जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको मां या अपनी मनोकामना है इस मां तक पहुंचानी है, और बार बार कम से कम आपके 7 बार अपनी मनोकामना का जाप करना है। दोस्तों, ऐसा आपको जरूर करना है और इसी उपाय से आपकी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसे प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोई खाने वाला होते ही पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं दिखता है तो बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन इस लौंग का एक बहुत अछूक उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है, संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी 11 फरवरी को सुबह 12:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 फरवरी से प्रतिपादन तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो माँ के गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह मीन लग्न में आपको प्राप्त हो रहा है। मीन लग्न में कलश की स्थापना करने से मां दुर्गा की मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप प्लस की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो, और अगर आप चाहे तो कल इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कल इसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मित्रों का जाप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उपाय कर सकते हैं, मां की आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में अपने जाना 10 महाविद्यालय क्या होती है। देखिए, पहले महाविद्या है मां काली, दूसरी मां तारा, तीसरी महाविद्या है मातृपुर और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी, पांचवी मार्च के छठी मातापुर, भैरवी सातवीं, मधुमती आठवीं, मां बगलामुखी नवमी, मामा तंगी और दसवीं महाविद्या है मां कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए सड़क को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं, सटीक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मित्रों का भी जाप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थी जान को, जैसे कि हम सभी को, किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में, आराधना के समय में, आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय किया जाए इस दिन जिससे कि आप धनो धनवान या आपकी जो भी मनोकामना है वह इन नवरात्र के समय में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए यह दिया जान लेते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पान का पत्ता कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। लिए समझते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में, नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें, माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के ध्यान रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में, आप कहीं भी रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को, जिसको भी मैंने बताया, देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय
गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब के पंखुड़ियां रखकर के माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में प्रयोग किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय में बताओ वह आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं और जब यह पट्टा कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह प्लेस से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है, तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूं यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है जिससे गृह प्रवेश की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। संजीवनी बूटियां भी कह सकते हैं क्योंकि इतने इनकी लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लट जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है, कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ, एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए
आप लोग एक महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं, तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना, आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके दो चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके दो चम्मच खा लेते हैं तो आपको एक महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि एक महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था, इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, जानेंगे इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है, 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, अब जानते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम आपको आपके भाग्य की कुछ विशेष जानकारी बता सके। भाग्य की अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताती हैं जिनसे आप अपने जीवन में लाभ पा सके। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मैं अपने हिंदू भाई तक ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हर किसी को इन चीजों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो और हम इस ज्ञान को पैसों में भी बैठ सकते थे, पर हम आप लोगों के लिए ये ज्ञान फ्री में लेकर आते हैं। तो इसलिए आप हमारी महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ध्यानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री में कभी नहीं देगा। पर हमारा संकल्प है जनहित एवं जन कल्याण के लिए ऐसी ध्यानवर्धक जानकारी जन जन तक पहुंचाना, इसलिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है इसमें आपको डालना है थोड़ा सा, इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्व से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए
बच्चे गर्भ से बाहर नहीं उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं, इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के बस में भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों मेरी एक बात पर और आप गौर करना, दोस्तों महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसे तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होल गने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। ली मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं, तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बधिए देखना, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए दो प्रयोग, अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा।
ध्यान से सुनिएगा, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है, इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी, जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा, इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है, आपको देखना आपके वह कौन से हैं। लाभ अपने आप में अत्यंत औषधि गुना से भरपूर है, यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है, इनको कोलाइटिस है, अमीशियस है और संग्रहण या प्रवाही का है, उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताजी ना भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको एक एक चम्मच सुबह शाम दे देते हैं तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको मालूम विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, यह काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया, तो इस दूधी में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले सकते हैं, उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लीवर की वजह से है, चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है शरीर में, उसकी वजह से है, उसमें भी यहाँ बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वह मिश्र ना मिले, इसको आप सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए इसका पाउडर करके एक चम्मच सुबह शाम सेवन करिए, उसे आपको मधुमेह में भी लाभ मिलेगा। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिलाकर के थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिए तो एक अच्छी सी चाय और एक अच्छा सा गुणकारी जो पेड़ है आपके लिए तैयार हो जाता है। काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और दूरी में क्या कहूं, या भरपूर गुना से परिपूर्ण या औषधि है, तो निश्चित रूप से खांसी के लिए रामबाण है, इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे 100% ही हमें लाभ की प्राप्ति। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी। माता योग टीवी चैनल में दोस्तों, जो बात मैं आज आपको पेड़ पौधों की, इन वनस्पति शास्त्र की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपको कोई और नहीं बताया दोस्तों। जितने भी जानकारी टीवी के माध्यम से बताई जाती है, वह जानकारी पहले सच्चाई उसकी सच में जानी जाती है, या फिर उसे प्रमाणित रूप से जिस किसी पर उसका उपाय किया जाता है, तभी आप पर हम यह जानकारी और दुर्लभ